नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। कांग्रेसियों के खूनी पंजा का खेल होगा खत्म, फिर से भारी बहुमत से जीतेंगे अजय मंडल, राकेश राणा। आज भागलपुर इकाई के जदयू परामर्शदात्री प्रकोष्ठ के नेता राजेश राणा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने अजीत शर्मा पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह भागलपुर में कांग्रेसी खूनी पंजा का खेल 1989 में भागलपुर दंगे के रूप में खेला है, इस बार फिर से महागठबंधन को जनता जवाब देगी और कांग्रेस नेता अजीत शर्मा को बुरी तरह से हराकर भारी बहुमत से एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल को विजय हासिल कराएगी। वहीं उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दौरान अजय मंडल को 4 लाख वोट से विजय होने की बात भी कही और पूरे देश में 400 सीट से ज्यादा सीट लाने की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा, एक तरफ जहां अजीत शर्मा अजय मंडल पर कई आरोप लगाते दिख रहे हैं, वहीं विधायक होने के नाते अजीत शर्मा ने 8 साल में क्या किया वह तो पहले जनता को बता दें। साथ ही उन्होंने कहा कि हवाई सेवा शुरू करने की बात हो या भोलानाथ पुल की बात हो या फिर विक्रमशिला समानांतर पुल बनने की बात हो या फिर सांसद में सवाल उठाने की बात हो, सभी में सांसद अजय मंडल का अहम रोल है, इसलिए इस बार फिर से अजय मंडल भारी बहुमत से जीतेंगे। भागलपुर की जनता को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देखना चाहती है, इसलिए अजय मंडल को फिर से भागलपुर की जनता भारी बहुमत से विजय हासिल कराएंगे। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, ये जो बार बार यूपीए प्रत्याशी के द्वारा अजय मंडल जी जो वर्तमान सांसद हैं भागलपुर, उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा में एक भी सवाल नहीं पूछे, पिछले 5 साल में कोई भी इनके कार्यकाल में कोई भी विकास का नहीं हुआ, उनके झूठे जवाब का उनके झूठे आरोप का आज हम जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने बैठे हुए। उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि सांसद ने सवाल नहीं किया, आप लोगों के सामने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सांसद महोदय ने जवाब दिया था कि लोकसभा में पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने 200 सवाल किया और सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी की और उस सवाल का क्रियान्वयन भी धरातल पर उतरा, जिसका जीता जगता उदाहरण है भागलपुर का एयरपोर्ट, गंगा ब्रिज का समांतर ओवरब्रिज, 4 लेन जो कार्य चल रहा है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो 1989 में ही इस देश से लोगों ने निकाल दिया था और एक ही नारा है कि 1989 का खूनी पंजा, भागलपुर का दंगा जो पूरे हिंदुस्तान को संसार करने का काम किया था, आपस में तोड़वाने का काम किया था। और कांग्रेस का यहाँ पे क्या भागलपुर में कोई वजूद है, वो जिसके वोट पर पिछले 8 साल से हैं, क्या उनके लिए उनका दरवाज़ा खुला है? वो अपने गृहान पर झाँके देखें वो कहाँ तक है, और ये वक्त बता देगा और भागलपुर लोकसभा की जनता बता देगी कि अजय मंडल एक पिछड़ा का बेटा है और एनडीए ने सोच समझ के एक पिछड़ा के अत्यंत पिछड़ा के बेटा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। वो जितना ही झूठा आरोप लगाएंगे उतना ही मत से ही के अंतर से उन्हें पुनः यूपीए को पराजित करें। अच्छा, क्या लग रहा है सर, भागलपुर में कितने मत से आप लोग जीत रहे हैं? 4 लाख+ देश में। और देश में क्या स्थिति रहेगी? देश में हम लोग 400 पार करें। 400 पार जी। भागलपुर की जनता से क्या अपील होगी? भागलपुर की जनता से यही अपील है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं बिहार के विकासशील पुरुष नीतीश कुमार जी के अगुवाई में जो पिछले 19 साल में बिहार में विकास हुआ है, इस विकास को देखते हुए आप देखे होंगे लोग मुस्लिम की बात करता है, वोट का जब समय आएगा उसी मुस्लिम समुदाय के लिए एक कलम से नीतीश जी ने, इसी एनडीए सरकार ने 8000 कब्रिस्तान का घेराबंदी काम कराने का काम किया था। तालीमी मरकज जिनको कि 1500-1600 तनख्वाह मिलता था, आज 22000 मिल रहा है, यही एनडीए सरकार की देन है। हर घर को 5 किलो अनाज मिल रहा है, यही एनडीए सरकार की देन है। और यूपीए सरकार जो आज़ादी के पिछले 50-60 साल जो इस देश में राज किया, वो अपने कार्यकाल का हर चीज़ गिना दे,
कि आरोप लगाने से कोई आदमी झूठा नहीं हो जाता। भागलपुर की जनता आपको मुंहतोड़ जवाब दे।